हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल ऑर्गेनिक लवर्स। और दोस्त, मैं अभी अभी लाइव लगा के आपको बताने वाला था कि जेईई मेन का शिफ्ट वन का 4 अप्रैल का जो पेपर है उसका कैसा लेवल रहा है, पर कुछ टेक्निकल ग्लिच की वजह से मेरी लाइव कैंसिल होगी। तो मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, इंपॉर्टेंट वीडियो, बहुत गौर से देखना। जो चीज़ें जनवरी में हुई वो इस बार होने वाली नहीं है, तो अच्छा मामला है इस बार क्योंकि पेपर का लेवल अच्छा बना है। दो तीन वैरायटी की प्रॉब्लम बच्चा पूछ रहा है कि भैया एक बात तो ये क्लियर कर दो आप कि इस बार 99% कितने मार्क्स के अप्रॉक्स बनने वाली है, और पेपर आया कैसे है। ऐसा तो नहीं है पूरा पेपर इजी डिजाइन कर दिया जैसे पिछले बार 27 जनवरी की शिफ्ट वन पहली शिफ्ट हुई, तो पेपर बहुत ज़्यादा आसान पूछ दिया तीनों सेक्शन में। तो पता चला भाई 240 नंबर पे जाके उस पेपर के अंदर 99% बनी थी। तो पेपर का पूरा आंकड़ा बता रहा हूँ मैं, बच्चों के रिव्यू से ही सारी चीज़ें बता रहा हूँ। इस बार आपकी एक्सपेक्टेड जो 99% बनेगी वो बेटा 190 मार्क्स के आसपास बनेगी। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ गौर से देखना। 4 अप्रैल शिफ्ट वन है आपकी, फिजिक्स इजी टू मॉडरेट है, ज़्यादातर पार्ट फिजिक्स का मॉडरेट लर्निंग है, ट्रिकी क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा डोमिनेटिंग है, ज़्यादा आए हुए हैं, फिजिक्स मॉडरेट है। केमिस्ट्री भी इजी टू मॉडरेट है, सबसे ज्यादा सवाल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आए हैं, मेजर क्वेश्चन किसके अंदर आए हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर दोस्त आए हैं। और मेरी बात सुनना, मैथमेटिक्स जैसा एक्सपेक्ट किया था वैसा ही मॉडरेट थे, तब और कहो तो लेंथी क्या आया है दोस्त, मैंने देखा है आपका मैथमेटिक्स आया। तो पेपर ओवरऑल आपका क्या रहा है बेटा, पेपर ओवरऑल आपका मॉडरेट लेवल का पेपर है, और मॉडरेट लेवल के अगर पेपर में तो 180 और 190 मार्क्स पर दोस्त आपकी क्या बनती है, 99% बनती है। तो ठीक है, कोई गलत बात नहीं है, ऐसा नहीं है कि 250 मार्क्स लेके आओगे तब जाके 99% बने। तो पेपर का लेवल अच्छा, सारे पेपर्स का रिव्यू मैं यहीं पे कराऊंगा और आपको क्वेश्चंस की पीडीएफ भी प्रोवाइड कराऊंगा। डिस्क्रिप्शन के अंदर ऐप का लिंक है, उसमें ज्वाइन हो जाना, आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड कराई जाएंगी। हर पेपर का मैं आपको रिव्यू दूंगा ताकि बच्चा पैनिक ना हो अपने मार्क्स लाने के बाद, अच्छे उसे ऐसा ना लगे कि पेपर जी आए। तो हर पेपर का इस चैनल पर दोस्त क्या करने वाला हूँ, शिफ्ट वाइज जैसे जैसे आते जाएंगे वैसे वैसे वीडियो अपलोड करके मैं आपको सारे शिफ्ट के पेपर के एनालिसिस बताऊंगा, और मैं आपको बताऊंगा सबसे टफ शिफ्ट कौन सी है और फिर ओवरऑल सबसे आसान शिफ्ट कौन सी है। तो मिलते हैं दोस्त अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।